हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले रिजल्ट की। देखिए, आज के दिन में केवल रिजल्ट रिजल्ट और रिजल्ट आया है, इसलिए आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिल रही होगी रिजल्ट के ऊपर। ओके, मैं ऑलरेडी दो रिजल्ट से रिलेटेड बातें कर चुका हूँ। इस वीडियो में दो रिजल्ट से रिलेटेड कैस्ट्रोल एज वेल एज बात की जाएगी। SBI कार्ड से रिलेटेड दोनों के रिजल्ट देखने बहुत जरूरी है। ओके, शॉर्ट में देखेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ, हमें इन्वेस्टमेंट रहना है या नहीं रहना है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज बात करूँ, यहाँ पर आपको तीन वीडियो आज की डेट में मिल जाएगी। टेक महिंद्रा से रिलेटेड जो कि Q4 के रिजल्ट है, HDFC लाइफ जिसके Q4 के रिजल्ट है, एज वेल एज बात करें एक और शेयर है CCD, उसके रिजल्ट नहीं, एक्चुअली उसने लिस्ट हुआ है जिसमें 83% जंप लगाई है और शेयर में कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और इससे दूर रहिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़ूँ आपसे सभी से, आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे गए दो लिंक, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं। और एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहते हैं दान दीजिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ। तो देखिए, ये जो रिजल्ट है ये कैस्ट्रोल के, आपको दिखाना चाहता हूँ कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल आपको पता ही है क्या काम करता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑयल से रिलेटेड काम करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट है। सीधे शॉर्ट में यहाँ पर रिजल्ट दे रखे हैं, उसी ही बात करेंगे। लॉन्ग में भी नीचे दे रखे हैं, बट हम वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में निपटाते हैं। ये लास्ट Q4 के रिजल्ट है, ये Q3 के रिजल्ट है इस बार के, ये Q4 के रिजल्ट है इस बार के। और रुपीज़ इन करोड़ में यहाँ पर बातें हो रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लीजिए, 935 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर Q4 में रिजल्ट लास्ट ईयर था। ओके, अगर बात करें Q3 की, 688 करोड़ के यहाँ पर रिवेन्यू था, और अभी की बात करें तो 1138 करोड़ रुपए की रिवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ देख लीजिए, ईयरली बेसिस तो जंप है ही है, क्वार्टरली बेसिस पे तो और ज्यादा अच्छी खासी, मतलब दुगने के लगभग की जंप है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह काटने के बाद अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर Q4 में यहाँ पर 187 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, और Q3 की बात करें तो 125 करोड़ रुपीज का, और अभी की बात करें 243 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आया। मतलब अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पर नज़र आया। क्वार्टरली अच्छा खासा रेट अगर बात करें रेट रिजल्ट है, एज वेल एज बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखा गया है। इसी से EPS की बात करते हैं। ओके, तो EPS यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ लास्ट Q4 में 1.9 का था, 9 रुपीज़ का यहाँ पर EPS था, अभी बात करते हैं 1.27 का Q3 में था, और अभी की बात करें 2.46, मतलब अब बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न देते हुए ये कंपनी नज़र आ रही है। इसकी तरफ आपको नज़रें रखनी है, काफ़ी बेहतरीन शेयर मुझे अभी की डेट में नज़र आ रहा है। ओके, एज वेल एज बात करते हैं एक और रिजल्ट की। देखिए, ये रिजल्ट है SBI कार्ड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करोड़ रुपीज़ इन करोड़ में यहाँ रिजल्ट है। इसके रिजल्ट देखने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए रिजल्ट अगर कार्ड की बात करें तो वैसे तो मोनोपोली नहीं है बिजनेस, बट स्टिल दूसरे नंबर का इंडिया का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड सेलर है ये। एज वेल एज बात करें, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे इसी के कार्ड यूज़ होते हैं, तो हमें इसका देखना है। और लिस्ट नंबर वन जो लिस्ट है, केवल यही एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट है कार्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं, सेम ये Q4 के, ये Q3 के, और ये Q4 के रिजल्ट है इस बार के। तो देखिए टोटल रिवेन्यू देखते हैं, यहाँ पर कितना हुआ है टोटल रिवेन्यू अगर देखते हैं, तो यहाँ पर लास्ट Q4 में 2433 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू था। अगर बात करें Q3 में तो यहाँ 2403 करोड़ रुपए का, जो कि यहाँ पर घटता हुआ नजर आया था, और अगर अब की अगर बात करें तो 2308 करोड़ रुपए, जो कि घटता हुआ क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस था उससे कमी कम परफॉर्मेंस अदर हमें होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। टोटल अगर आप अदर इनकम को यहाँ पर मिला देते हैं तो भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लास्ट अगर बात करें Q4 की 2510 करोड़ रुपए का, Q3 की बात करें 2539 करोड़ रुपए, अभी की बात करें 2468 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नजर आ रही है, जो कि ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे काफी कम है। यहाँ पर अगर हम बाइफर्केशन अगर करके देखते हैं इंटरेस्ट इनकम, तो देखिए इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे। यहाँ पर एक चीज में जंप हमें नजर आ रही है, वो भी इनकम फ्रॉम मेंबरशिप फीज एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ पर कई कार्ड शायद और ज्यादा बिके हैं जिस वजह से यहाँ पर मेंबर शिप फीस है जो ज़्यादा आती हुई दिखाई दी है। और सर्विस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर लगभग इतने करोड़ रुपए के सर्विस चार्जेस यहाँ पर कंपनी लेती हुई हमें मिली है। तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है।
एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो Q4 की लास्ट ईयर में 2398 करोड़ रुपए का एक्सपेंस हुआ था। अगर बात करें Q3 की तो 2256 करोड़ रुपए का, और अभी की बात करें 2233 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंस होता हुआ हमें नज़र आया है, जो कि ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे बहुत काफ़ी कम है, जो कि अच्छी बात है कि खर्चों पे थोड़ा बहुत लगाम, खर्चों पे लगाम लगाएंगे तो प्रॉफिट में हमें दिखाई देगा कि प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट सब कुछ डिपेंड करता है रेवेन्यू एज वेल एज बात करें एक्सपेंसिस पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 112 करोड़ रुपए का, लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 282 करोड़ रुपए का, और अभी की बात करें 234, जो कि ईयरली बेसिस तो जंप है बट क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर गिरावट है। बट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह भी देना होता है आपको पता ही है, टैक्स देने के बाद क्या होता है उसके बाद देखते हैं, तो अगर देखते हैं तो Q4 लास्ट ईयर 83 करोड़ रुपये इसका प्रॉफिट था, अगर बात करें Q3 की तो 209 करोड़ रुपये, और अभी की बात करें तो 175 करोड़ रुपए। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे, ओके क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर लगभग अच्छा खासा दुगना हमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस देखिए ये इस चीज को देखते हुए कल की डेट में शेयर गिर सकता है, ओके और नीचे आ सकता है, बट ईयरली बेसिस देख रहे हो तो अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस करते के कंपनी ने दिखाया है, तो इसलिए इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर EPS की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 89 पैसे का EPS था, अगर बात करें Q3 में 2.23 रुपीज़ का EPS था, और अभी की बात करें तो 1.87 रुपीज़ का यहाँ पर EPS की बात यहाँ पर हो रही है। ओके तो ये सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने मैंने पेश किए हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरी बातों का, तो कैस्ट्रॉल इंडिया की बात कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इतना है, अच्छा खासा है, और यहाँ पर रिजल्ट मार्केट टाइम पे ही आ गए थे, इसलिए यहाँ पर यहाँ अच्छी खासी जंप 3% की जंप 4% की जंप होती हुई हमें नज़र आई थी, जो कि आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। बाकी अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी का 2015 से थोड़ा सा नीचे रिजल्ट ये जाता हुआ चार्ट पैटर्न दिख रहा है, बट इसके रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो हमें पता चलेगी ये एग्जैक्टली कंपनी ने किस तरीके के रेवेन्यू अर्न किए पिछले 5 साल में, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करती नजर आई है। बट ये ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखते हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ देख लेते हैं, तो ये शेयर देखिए थोड़ा बहुत, अगर रिजल्ट के बाद ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत शेयर गिरता हुआ कभी कभी नजर आता है, तो थोड़ा बहुत अगर गिरता है तो कंपनी का शेयर 1010 तक आ सकता है, ओके इसके आसपास आ सकता है, और अगर ऊपर गया तो देखिए यहाँ पर 140 तक ये शेयर जाने की पूरी संभावना रखता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं SBI कार्ड, तो SBI कार्ड में देखिए मुझे जो लगता है ये शेयर थोड़ा बहुत और गिर सकता है, क्योंकि रिजल्ट इतने खास नहीं आए हैं, क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप है बट क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर गिरावट है, तो ये शेयर दोबारा देखिए अगर हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है शेयर को इसी रेंज में आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर बात की जाए तो ये कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। इससे रिलेटेड बहुत बार मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरीके से ये कंपनी आपको मोनोपोली बिजनेस शेयर बाजार में करती हुई नज़र आती है, तो अच्छा खासा रिटर्न भी आपको जनरेट किया। एक इसकी सब्सिडरी, मतलब अगर बात करें एक कंपनी थी उसने 30% 25% के शेयर लिए थे आज से 2 साल पहले, और उसने उससे ज़्यादा पैसे अर्न किए 2 से 4 साल में, तो इस बात को याद रखना। इसके अलावा अगर इसके चार्ट पैटर्न की और बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये शेयर का अगर टारगेट की बात करते हैं एक बार, तो यहाँ पर देख लीजिए ये शेयर यहाँ चल रहा है, तो इसका पहला टारगेट है कि ये 887 तक आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 800 रुपीज़ तक भी आने की ये पूरी क्षमता रखता है, बट अगर यहाँ पर ये इस दायरे में आ सकता है, तो इसलिए अभी ये खरीदने की जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, ओके थोड़ा नीचे आने दीजिए शेयर, मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग सिग्नल भी है, और 43 के तो 30 के RSI पे जो 30-35 के RSI पे आता हुआ नज़र आए, तो आप इसे खरीदने की तब चेष्टा करिए, और मैक्सिमम जब जाएगा तो आपको पता ही 1000 को क्रॉस करेगा, तो लॉन्ग टर्म की बैट के हिसाब से आपको तभी खरीदना है जब यहाँ पर नीचे आता हुआ ये नज़र आए। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र, खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए, बाकी SBI कार्ड और कैस्ट्रॉल दोनों के रिजल्ट अच्छे खासे ईयरली बेसिस पे मुझे अच्छे लग रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।